नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, पीटीटी की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहां पर फर्स्ट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है कि जो कि पहले कह दिया गया था कि 28 जुलाई को यहां पर जारी होगा। फोर ईयर बीएड वालों का है, ध्यान रखिए, फोर ईयर बीएड वालों का जारी हुआ है, बीए बीएड और बीएससी बीएड वालों का। यहां पर टू ईयर बीएड वालों का जारी नहीं हुआ है, 30 जुलाई को जारी होगा, उसकी डेट अलग से दी हुई है। कंफ्यूज नहीं होना है, अब क्या जारी हुआ है, कैसे जारी हुआ है, क्या प्रोसेस रहेगी आने वाले समय में, कैसे देखें, इन सभी चीजों को लेकर बात कर लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया आपको करनी है, तो ध्यान रहे। सीधे चलते हैं गूगल के माध्यम से, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है भैया जीजीटीयू, आप टाइप कर देंगे, सीधे चलते हैं वेबसाइट आ जाएगी आपको। यहाँ पर पोर्टल अलग से बना हुआ है पीटीटी का नाम से, ठीक है, इस पे चलते हैं तो आपके सामने वेबसाइट अब थोड़ा सा हैंग हो गई है, यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिल रही है, थोड़ा सा सर्वर डाउन हो चुका है, लेकिन सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार करें, चल जाएगा। सारी चीजें बता देता हूँ कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में जब आ जाएगा तो क्या क्या करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अपडेट थी पीटीटी को लेकर, यहाँ पर काफी इंतजार कर रहे थे, काफी समय से विद्यार्थी कह भी रहे थे कि पता नहीं कब तक आएगा। फिर से मैंने वेबसाइट यहाँ पर ओपन की है, वेबसाइट काफी प्रॉब्लम कर रही है, ये देख लीजिए भैया। फोर ईयर बीएड को लेकर हम चलते हैं, फोर ईयर बीएड का ना, क्योंकि फोर ईयर बीएड की बात हुई थी आने के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, न्यू ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं ना। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, क्या क्या चीजें आपको टाइप करनी है उसके माध्यम से। यहाँ पे देखो काउंसलिंग नंबर चाहिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका काउंसलिंग नंबर चाहिएगा, डेट ऑफ बर्थ चाहिएगी भैया, रोल नंबर चाहिएगा, इसके माध्यम से आप अपना प्रिंट अलॉटमेंट लेटर चेक कर पाएंगे, ध्यान रखें। ये देखो सारी चीजें, काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर और डीओबी, इसके बाद में आपके हाथ में आ जाएगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, जिसको कि हम कहते हैं कि अलॉटमेंट लेटर आ गया, कौन सा कॉलेज मिला है भैया, ना ठीक है, कौन सा कॉलेज मिला ऐसा पता चल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, जो भी चीज आपको पता चले, जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें ही देखने को मिल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो भैया क्या करना है, इसकी प्रोसेस पे चलते हैं, अगली प्रोसेस क्या रहने वाली है इसमें भैया। देखो 28 जुलाई से 2 अगस्त तक आपकी फीस जमा होने वाली है 22,000 रुपए, जो कि मित्र पे जमा होगी, उस समय जमा करेंगे 22,000 रुपए जो आपको मित्र पे जमा होगी, ध्यान रखें। मित्र पे फीस जमा करवाने के बाद में आपके मित्र पे ही डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे, और उसके बाद में कॉलेज रिपोर्टिंग भी होगी, कॉलेज रिपोर्टिंग में भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मित्र पे भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, तो ध्यान रखें। पहले तो आपको क्या करना है, 5,000 रुपए की रसीद जो आपने पहले कटवाई थी वो रखना साथ में, एक आपका रिजल्ट का जो पेज है, रिजल्ट जो नंबर आया वो रखना साथ में, एक जो अलॉटमेंट लेटर जो आ जाएगा ये है चाहिएगा आपको, ध्यान रखें। अलॉटमेंट लेटर जो आपका आया है जिसमें कॉलेज देखने को मिल रहा है कि ये कॉलेज मिला है, वह आपको साथ में चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिएगी, ध्यान रखें, जो भी जिस भी कैटेगरी से आप हैं, वह जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस चाहिएगा, ये ध्यान रखें। एक मतलब करंट फोटो, यानी कि आपका सेल्फी के रूप में यहाँ पर फोटो भी अपलोड होगा। एक बात करूँ सेल्फ डिक्लेरेशन का, मतलब कि यहाँ पे प्रमाण पत्र भी देखने को मिलता है, सेल्फ डिक्लेरेशन ये ध्यान रखना। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है, स्वयं द्वारा घोषणा प्रमाण पत्र जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या है कि फॉर्मेट दिया होता है, क्योंकि पहले जेएनयू ने करवाया था पीटीटी, उस समय भी था, तो इस बार जीजीटीयू में भी रहने वाला है। हालांकि मैंने अभी तक किसी का देखा नहीं है अलॉटमेंट, लेकिन आ तो चुका है, तो सारी चीजें यही रहने वाली हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, 10th 12th 4 ईयर बीएड वाले हैं तो आपको क्या चाहिएगा, 10th 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ही अपलोड होंगी ऑनलाइन। उसके बाद में जब कॉलेज जाएंगे यही डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे दिखाने भी हैं, और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, ध्यान रखें। तो पहले आपको दो चीज करनी है भैया, 22,000 रुपए फीस मित्र पे जमा होगी 28 जुलाई से 2 अगस्त तक, ये ध्यान रखना, और 3 अगस्त तक आपकी रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि है, तो ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये फोर ईयर बीएड वालों का है, बीए बीएड और बीएससी बीएड वालों का, बीएससी बीएड में भी यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल रहा है और बीए बीएड में भी अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल रहा है, दोनों अपना चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अभी एक चीज आपको बता देता हूँ भैया, ये प्रोसेस करने के बाद में सारा एडमिशन हो जाएगा कन्फर्म, उसके बाद में आपका कॉलेज से भी पता चल जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। अब काफी विद्यार्थी ऐसे कहेंगे कि मैं जो कॉलेज चाहता था वो मिला नहीं है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होता है, इसको लेकर वीडियो में कल बना दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, थोड़ा सा इंतजार करें सुबह तक, अभी केवल अपना अलॉटमेंट लेटर चेक कर लेंगे, सुबह बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैं बाहर आया हूँ तो थोड़ा ऐसा वीडियो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ, ध्यान रहे। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब बात कर लेता हूँ एक इंपॉर्टेंट नोटिस, अब काफी लोग कहेंगे कितनी कट ऑफ गई, देखो मैंने पहले ही कहा था कट ऑफ का ऐसे कोई अंदाजा नहीं रहता, किसी विद्यार्थी ने 20 कॉलेज भरी है, किसी ने ऑल राजस्थान किया है, किसी को कम नंबर पे भी देखने को मिलेगी, किसी की कैटेगरी वाइज होगी, तो अपना अपना जिसको भी कॉलेज मिले ना भैया, यहाँ पे कमेंट कर देना कि एससी में हूँ, एसटी में हूँ, जनरल में हूँ, ईडब्ल्यूएस में हूँ, इतने नंबर पर मुझे कॉलेज मिल गई है, मैंने इतनी कॉलेज भरी थी, तो इस तरीके से आप सारा कमेंट कर देंगे, जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी विद्यार्थियों को पता भी चल जाएगा। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, थैंक यू।